हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में आपको बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइजर और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो एस्टेट फेज 2 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी का एग्जाम देना चाहते हैं, वो क्लास को मिस ना करें, क्लास को जरूर देखिए। आपको ये जो वीडियो दिए जा रही है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट्स जो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं, सिस्टमेटिक वे में आप नोट्स चाहते हैं, तो उसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसमें आप नोट्स को पेड ग्रुप में ज्वाइन होकर परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मेरे पेड ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं टेलीग्राम पर टेस्ट भी लूँगी, जिससे आपका तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर हो सके। आज का जो हमारा क्लास है वो है क्लास 6, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अगस्त कॉम्प्ट जी के संदर्भ में। अगस्त कॉम्प से आपको आप देखे होंगे कि जो 2.0 का एग्जाम था उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट हो भी क्यों ना, क्योंकि अगस्त कॉम्प जो है इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लग रही है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगस्त कॉम्प्ट जी का पूरा नाम क्या है, तो बताइए। तो आप लोग को मैंने बताया था कि एसिडोर अगस्त मेरी फ्रांसिस जेवियर इनका पूरा नाम है। और अगर इनकी बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1798 को फ्रांस में। कब 17 आपका, आप इनकी जन्म मृत्यु को लिख सकते हैं कि इनकी जन्म हुई थी 19 जनवरी 1798 को, और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 5 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हुई थी। आप लोग नोट कर सकते हैं, जब से भी कभी कभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो समाजशास्त्र का प्रयोग इन किन के द्वारा किया गया था, अगस्त कॉम्प्ट जी के द्वारा। आज के क्लास में इनकी हम थ्योरी को देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके जो इम्पोर्टेंट इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उनके संदर्भ में जानेंगे। तो अगस्त कॉम्प्ट जी जो थे वो 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किए थे। इनके अगर गुरु की बात की जाए तो इनके गुरु कौन थे, सेंट साइमन थे, जिनके साथ वो 1822 में इनके प्रभाव में आए थे। और इन्होंने ही सबसे पहले समाजशास्त्र को, समाजशास्त्र नाम देने से पहले क्या नाम दिया था, सामाजिक भौतिकी। ये चीज़ भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है सामाजिक आपका भौतिकी इन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था, तो आपका सामाजिक भौतिकी नाम दिया था। सामाजिक भौतिकी सबसे पहले नाम दिया था, लेकिन फिर इन्होंने इस नाम को चेंज करके समाजशास्त्र रखा, क्योंकि सामाजिक भौतिकी का नाम सबसे पहले एडोल्फ क्वेटलेट ने सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। अब अगर आपको पूछ ले कि एडोल्फ क्वेटलेट ने कहाँ इसका प्रयोग किया था, तो उनकी जो रचना थी एन एसे इन सोशल फिजिक्स, इसमें इन्होंने सबसे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो फिर बाद में इन्होंने देखा कि पहले ही कोई यूज़ कर लिए हैं, इसलिए नाम को इन्होंने चेंज करके समाजशास्त्र नाम दे दिया। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र क्या है, तो ये सभी विज्ञानों की रानी है, कहीं कहीं महारानी भी आपको देखने को मिलेगा, कि ऐसा इन्होंने कहा था। अब इनकी हम थ्योरी को देखेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट इनकी थ्योरी है। तो सबसे पहला जो थ्योरी है, कल हम लोग इनकी रचनाओं के संदर्भ में, इनके बुक्स के संदर्भ में देख लेंगे। तो सबसे पहली जो इनकी थ्योरी है वो है लॉ ऑफ 3 स्टेज, ठीक है। क्या है लॉ ऑफ 3 स्टेज, इसमें इन्होंने उद्विकासीय सिद्धांत दिया था, और उद्विकासीय सिद्धांत के आधार पर इन्होंने इसके 3 स्तर बताए थे समाज में, जो ये जो ज्ञान का विकास हुआ है, तो इसके आधार पर 3। सबसे पहला उन्होंने बताया था धार्मिक, फिर अमूर्त, फिर सकारात्मक, जिसको ही पॉजिटिविज्म बोला जाता है, ठीक है। यही आगे चल के इनका पॉजिटिविज्म कहलाया। तो धार्मिक में इन्होंने बताए थे कि
जो समाज में, जिसको कि थियोलॉजिकल भी बोला जाता है, कि समाज के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनको वो किसी न किसी धार्मिक अवस्था के माध्यम से जोड़ के, कि कोई अलौकिक शक्ति होगी जो इन घटनाओं को घटित कर रही है समाज के अंतर्गत, उससे जोड़कर इन्होंने इसके संदर्भ में बात की। फिर जब आप अमूर्त स्टेज में पहुँचते हैं, यानी मेटाफिजिकल स्टेज में पहुँचते हैं, तो इन्होंने बोला है कि नहीं, अमूर्त कोई बात होगी, ठीक है, कोई जैसे जहाँ पे धर्म का वहाँ पे बात करते थे, तो अमूर्त में कोई निराकार शक्ति, कोई आत्मा, कोई परमात्मा होंगी जो कि करती होंगी। फिर जब थर्ड स्टेज में पहुँचते हैं सकारात्मक में, तब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हैं और निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के माध्यम से वे समाजशास्त्र में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका वो अध्ययन करते हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी लॉ ऑफ थ्री स्टेज, इनकी आलोचना भी की गई। तो किसके द्वारा की गई थी? तो G.S. मिल जी के द्वारा की गई थी आलोचना। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनका मानवता का धर्म। इनकी नेक्स्ट थ्योरी है मानवता का धर्म। मानवता का धर्म में अगस्त कॉम ने प्रत्यक्षवाद के जिस ज्ञान की प्राप्ति की बात की थी, और उन्होंने बताया था कि हम लोग जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं वो ज्ञान को प्राप्त करके हम लोग क्या करेंगे, तो मानवता का भला करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, तो ये मानवता का धर्म भी हो जाएगा। जो पॉजिटिव की बात की, प्रत्यक्षवाद की, ये मानवता के भलाई के लिए किया जा रहा है, तो इसलिए ये मानवता का धर्म भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें इन्होंने पॉजिटिव फिलोसफी अपने सिद्धांत में बताई थी कि हम लोग जो भी कर रहे हैं समाज के लिए वो मनुष्य की भलाई के लिए कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट इनकी थ्योरी थी वो तो समाजशास्त्र के विषय वस्तु, जिसमें इन्होंने इसके दो भागों में बांटा था। क्या क्या? तो सामाजिक गति की और सेकंड था सामाजिक स्थिति की, ठीक है, सामाजिक स्थिति की और सामाजिक गति की, सामाजिक स्थिति की, ठीक है। दो आधार पर समाजशास्त्र पूरा जो सब्जेक्ट इसके विषय वस्तु को बांट दिया था। तो सामाजिक गतिकी में इसमें इन्होंने शरीर विज्ञान का पक्ष लिया थे और प्रकारात्मक पक्ष लेकर इसका अध्ययन किए थे। और जो सामाजिक गतिकी थी इसमें मानव अंग के बाते, सामाजिक स्थिति की मानव अंग के बाते में, और सामाजिक गतिकी में शरीर विज्ञान के भांति में, सामाजिक स्थिति में मानव अंग के बाद, जिस प्रकार से मानव का जो अंग है, ठीक है, हर सब जैसे मान लीजिए मुंह का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, आंख का काम अलग है, तो शरीर का कोई भी अंग अगर मान लीजिए खराब हो जाता है तो मनुष्य की जो शरीर की बनावट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। उसी प्रकार से समाज भी जो है ये विभिन्न अंगों के से बना हुआ है, तो अगर कोई अंग में खराबी आ जाती है तो वो समाज को प्रभावित करती है। इसका उन्होंने वर्णन अपने सामाजिक स्थिति के सिद्धांत में दिया था। और सामाजिक गतिकी में उन्होंने बोला था कि शरीर विज्ञान के प्रकारात्मक पक्ष का उन्होंने बात की थी। नेक्स्ट जो इनको थ्योरी है वो है विज्ञानों का पदानुक्रम। विज्ञानों के पदानुक्रम में इन्होंने सेंट साइमन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और सेंट साइमन से प्रभावित होकर उन्होंने विज्ञान का जब बोला कि जो सब्जेक्ट इजी रहता है वो सबसे पहले आया है, और जो जैसे जैसे सब्जेक्ट हार्ड होते गया वैसे वैसे आपका फिर अलग अलग सब्जेक्ट आता गया, जिसके लिए इन्होंने सबसे पहले गणित को रखा है। किसको रखा है? गणित को रखा है कि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है, और सबसे लास्ट में समाजशास्त्र को रखा है। और आप देखे भी होंगे कि समाजशास्त्र में कितने थ्योरीज है, कितने हैं। तो सब गणित के बाद इन्होंने खगोल शास्त्र की बात की है, कि गणित के बाद क्या आया है, तो खगोल शास्त्र आया है। इसका जो क्रम है ये आपको एग्जाम में पूछेगा। फिर आपका खगोल शास्त्र के बाद आपका कौन सा विज्ञान आया है, तो भौतिक विज्ञान आया है, खगोल शास्त्र, जिसको नक्षत्र विज्ञान भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आया है आपका भौतिक विज्ञान, उसके बाद आपका आया है रसायन विज्ञान, इसके बाद आपका कौन सा विज्ञान आया, इसी का क्रम को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जीव विज्ञान, इसके बाद आपका आएगा समाजशास्त्र, ठीक है। इसके बाद अगर कोई विज्ञान आता है तो वो नीति शास्त्र होगा, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। तो अगर आपको क्रम पूछेगा तो ये जो क्रम है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रम से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको आई होप आप लोगों को जो अगस्त कॉम्ट जी की थ्योरी है
ये सारी थ्योरी लॉ ऑफ थ्री स्टेज, मानवता का धड़, विज्ञानों का पदानुक्रम और समाजशास्त्र की विषय वस्तु अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी और इसी से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। कल इनके इंपॉर्टेंट बुक्स के संदर्भ में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, आप लोगों को इस थ्योरी से रिलेटेड MCQ भी करवाए जाएंगे और अगर आप इसका कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आपको PDF फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, आप उसमें कॉन्टैक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।